बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है ना इस्लामाबाद के एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे मौजूद हैं जिसका नाम है मलंग बन्नू बीफ पुलाव पे। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेक्शंस हैं, हम उन सेक्शंस का आपको जो है ना वो सिलसिला करवाएंगे। यहाँ पे हर चीज़ का अलग काउंटर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना वो स्पेशल काउंटर अलग है, मछली का जो है ना वो सिलसिला अलग है, फैमिली हॉल अलग बना हुआ है, और उसके साथ साथ जो है ना वो कढ़ाई के लिए, तंदूर के लिए और इस तरह की दूसरी चीज़ों के लिए अलग बना हुआ है, और पुलाव का एक अलग सेक्शन बना हुआ है। तो दोस्तों आए हम आपको मेन काउंटर पे लेके चलते हैं जहाँ पे जनरल रेट मेन्यू लगा हुआ है, जाके आप रेट पता चल सकें। ये देखें, ये जो है ना मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव का जो है ना जनरल रेट मेन्यू लगा हुआ है, जहाँ पर जो है ना बीफ पुलाव 480 रुपये किलो है, जो कि हम आज जो है ना वो स्पेशली ट्राई करेंगे। और इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने को मिलेंगी, लेकिन हम यहाँ पे स्पेशल जो है ना बन्नू का बीफ पुलाव जो है स्पेशल वाला स्पेशल अलवा है, मछली है, गरीबों का भी बहुत खिदमत करते हैं ये लोग, अल्लाह पाक इस लोगों को कामयाब करें। बेफतंग पीर साहब वो पीर नसीब शाह, ये मुझे अपने खर्चे में चावल खिलाते हैं, बाकी खिदमत करते हैं, मैं भी जितना नौकर है ना जो गरीब तबके हैं सब से मैं ताउन करता हूँ। बाकी जो पाकिस्तान में जो भी गरीब बंदा हो, जो बेवा औरत हो या कोई और गरीब हो, मेरा नंबर पर रब्ता करें 0332-99-666-666 पीर नसीब शाह फतेह जंग। जो पाकिस्तान में जितने भी गरीब हैं ना मेरे साथ इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो तलीम करते हैं उसके बाद तलीम के वसाइल नहीं होगी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, दूसरे जो है ना जो मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, जो माली इमदाद के मालिक कमजोरी की वजह से मदरसे में नहीं पढ़ सकते हैं, सही, वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं इस मेरे नंबर को। पीर नसीब शाह फतेह जंग, ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी यहाँ पे हमें बहुत ही ज़बरदस्त इंसान मिले हैं जिन्होंने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो कोई भी इस तरह का शख्स हो वो इनसे ज़रूर रब्ता करे और अपने जो है ना वो इनको सारा सिलसिला बता सकता है ताकि ये इनकी हेल्प आउट कर सके। आए हम चलते हैं बन्नू के स्पेशल बीफ पुलाव के सेक्शन में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर हमें खाने को क्या क्या मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है, खैरियत से हैं? नाम क्या है भाई का आपका? ज़रीफुल्ला भाई। भाईजान हम बड़ी दूर से स्पेशल आप जो है ना आपके बीफ पुलाव का सुन के आए हैं स्पेशली, तो हमने कहा कि हम आपके पास जो है ना आज ट्राई करेंगे। हमें थोड़ा सा इसके बारे में सिलसिला बता देंगे, ये जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको हम कन्फर्म करना चाहते हैं, ये जो बीफ है ये डेली का आपका कितना लग जाता है? अच्छा माशाल्लाह। और है ना एक देख के अंदर कितने चावल और कितना बीफ डालते हैं आप? 20 किलो चावल होते हैं कच्चा। अच्छा, और 70 किलो गोश्त होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो टोटल कितने की देख बन जाती है बड़ी? माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ये है कि बहुत ही आउट क्लास किस्म का जो है ना वो सिलसिला है। और यहाँ पे आप मेरे ख्याल में किलो के हिसाब से देते हैं, ठीक है, जो कि रेट मेरे ख्याल में वहाँ पे रेट है हमने देखिए 480 रुपये किलो है। बड़ी दूर दूर तक तारीफ सुनी है माशाल्लाह आप, हमने इनकी देखें जी इनका एक दफ़ा जो है ना नज़ारा कराएं, देखें माशाल्लाह जो है ना आपको जो है ना वो गोश्त ही गोश्त नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी गोश्त ही गोश्त नज़र आ रहा है। तो ये जो जो खाएगा ना वो हमेशा याद रखेगा कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, और ये इनका सिलसिला होता है कि ये इस तरह के जो है ना वो पर के जी के हिसाब से जो है ना देते हैं, और उसके बाद जो है ना उथाल के अंदर जो है ना उनको सर्व किया जाता है। माशाल्लाह जी दोस्तों, यहाँ के आपको उन्होंने सिलसिला बताया है कि यहाँ पर गोश्त ज़्यादा और चावल कम होते हैं, और इसी के नाम इसी वजह से इसको बीफ पुलाव कहते हैं। तो वरना जो है ना वो क्या होता है कि थोड़ा सा बीफ डाल दिया जाता है और बाकी जो है ना चावल डाले जाते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह जो है ना वो बीफ के अंदर चावल डाले जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। आज हम ट्राई भी करेंगे, देखते हैं जायका कैसा है। अभी हम आपको रश दिखाते हैं, यहाँ पर लोग कितने हैं खाने के लिए। और यहाँ पे ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हलवा है भैया, ये हलवे के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे कि ये किस चीज़ का हलवा है, क्या सिलसिला है? ये मैदे का बना हुआ है। मैदे का? हाँ मैदे। अच्छा मैदे का हलवा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे तो ये जो है ना वो सूजी का कोई हलवा बनता है किस तरह? अच्छा, ये आपने सिर्फ मैदे का बनाया हुआ है, इसमें और क्या क्या डाला हुआ है आपने? चीनी है, मैदा है, ठीक है, और ये
अच्छा चीनी, मैदा और घी और बाकी जो है ना वो खुश्क मेवे हैं। इसका क्या रेट है? 440 रुपये किलो है। अच्छा अच्छा ठीक है माशाल्लाह। आपका क्या नाम है जी? जौहर जमान माशाल्लाह जी। देखिए जौहर जमान भाई ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि 440 रुपये किलो जो है ना वो यहाँ पे ये मैदे का हलवा मिल रहा है। वैसे ये हलवा पहली दफ़ा मैंने सुना है मैदे का, वरना जो है ना वो सूजी का हलवा सुनते आ रहे हैं कि हम यार सूजी का हलवा होता है ठीक है, और मैदे का हलवा है और ये 440 रुपये किलो है। और मेरे ख्याल में इसको आज ट्राई करना पड़ेगा नमकीन के बाद मीठा। और अभी हम जो है ना वो देखें जी फ़िश के जो है ना रेट्स से पर्दा उठाते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ढाम के रखा हो। ये देखें जी ये रेट लिस्ट है जी, मलक जान की फ़ख्र या स्पेशल पेशकश सर्दियों की, ये ना फ़िश है। और यहाँ पे देखें जी फिंगर फिश है, वाइट साइमन है, सरमई है, मुश्का है, संगाड़ा है, चिड़ा टाफी है, दुमड़ा है, देखें रोहू मशेर है। देखें माशाल्लाह जो है ना वो सारी फ़िश यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये देखें जी इन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कवर करके रखा हुआ है ताकि जो है ना वो हाइजीन जो है ना वो फूड हर बंदे को मिले। ये देखें सारी मछलियाँ मसाले जात लगा के इन्होंने रखा हुआ है स्पेशली तौर पर। और वो जो है ना सामने जो है ना ये काउंटर यहाँ पे जो है ना वो सारी तैयारी अभी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे लोग फ़िश जो है ना वो बनाते हैं, अभी तैयार करेंगे यहाँ पे फ़िश। देखें जी माशाल्लाह जो है ना वो चप्पल कबाब लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो है ना वो चप्पल कबाब की तैयारी हो रही है। भाईजान हमें ये बताएँ कि ये जो है ना चप्पल कबाब जो है ना इनका क्या रेट है? पाओ के पश्तो जानते हैं, इसका क्या रेट है? 680 रुपये किलो है। अच्छा मतलब ये भी किलो के हिसाब से होती है। और एक किलो में कितने पीसेस बनाते हैं? चार पीस में, मतलब एक पाव का एक पीस होता है। ठीक हो गया, मतलब ये है कि ये देखें जी एक किलो में जो है ना चार पीस बना के देते हैं। और देखें बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो इनको ऑयल में फ्राई किया जा रहा है। और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त जो है ना वो सिलसिला है। ये देखें जी ऊपर बड़े मज़ेदार तरीके से इन्होंने टमाटर मिर्च और सारा सिलसिला लगाते हैं। ये देखें जी ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने गोला बनाया है, इनका अंदाज़ा चेक करें माशाल्लाह। एक ये लगाए टमाटर और ये लगाई मिर्च और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ये गया जी फ्राई होने के लिए बेहतरीन तरीके से। ये जी माशाल्लाह बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त जो है ना वो खुशबू आ रही है और फ्राई होने में बड़ा आउट क्लास जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। भैया नाम क्या है आपका? अहमदुल्ला भाई। यहाँ पे आप जो है ना वो कावा वगैरह के अलावा चाय वगैरह भी देते हैं? जी चाय भी। अच्छा क्या टोटल क्या है, चाय और सिर्फ कावा है? जी चाय कावा। अच्छा चाय कावा है, तो इसके लिए जो है ना खुला दूध जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं स्पेशल? जी खुला दूध। अच्छा 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 माशाल्लाह जो है ना वो अच्छा गुड़ भी डालते हैं। गुड़ जो है ना वो चाय में डालते हैं या कावे में? दोनों चाय में डालते हैं। अच्छा दोनों चाय में डालते हैं और कावे में भी इस्तेमाल होता है। सही सही माशाल्लाह जो है ना ये देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो चाय बनाई जा रही है। यहाँ पे जो है ना वो खाने के सारे लवाजमात जो है ना वो मशहूर हैं। नाम तो इनका जो है ना वो बीफ पुलाव, बनू बीफ पुलाव से मशहूर है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी डिश नहीं है जो कि आपको ना मिले माशाल्लाह। देखें यहाँ पर चाय भी है, मछली भी है, कावा भी है, चप्पल कबाब भी हैं, कढ़ाइयाँ भी हैं, हलवा भी आपको मिलेगा मैदे का स्पेशल। बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो तैयार हो रही है चाय। और ये देखें जी स्पेशल डिस्पोजेबल कप्स में जो है ना वो दोस्तों जो है ना वो हमने यहाँ पे जो है ना वो ऑर्डर दे दिया है। और ऑर्डर में जो है ना हमने बीफ पुलाव मंगवाया है, साथ में हमने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो चप्पल कबाब मंगाया है और साथ में मैदे का हलवा था। मैंने कहा यार रहा नहीं गया मीठा, तो मैंने कहा मैदे का हलवा भी मंगवाते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो मेरे साथ स्पेशल मेरे दोस्त मौजूद हैं वकास साहब, तो आज उनसे रिव्यू करवाते हैं। वैसे वो बहुत ही माशाल्लाह किस्म फूडी किस्म के इंसान हैं, बड़े खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं, वो बड़े फूडी किस्म के इंसान हैं। आज हम उनसे रिव्यू करवाते हैं इन सब चीज़ों का, उनको कैसी लगती हैं। क्योंकि बड़े लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि यार आप बनू बीफ पुलाव पर जाएँ, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। तो आज हम वकास भाई को ले गए हैं साथ, तो हम देखते हैं क्या सिलसिला है। चलें जी पिक्चर्स वगैरह हो गई, हमारी प्रोफाइल का काम पूरा हो गया, स्नैपचैट में हमने अपने दोस्तों को स्टोरी सेंड कर दी है, तो इसको ट्राई करते हैं।
मैंने ऑलरेडी कराची कंपनी से जो बीफ बनू है वो भी ट्राई किया हुआ है। G10 में भी कोई बनू पुलाव था उसको भी ट्राई किया है, तो क्योंकि मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे भी है हमारे, वहाँ पे भी स्टार्ट होगा बीफ बनू, तो वहाँ का भी ट्राई किया हुआ। तो मैंने कहा चलें आज अकील भाई की फरमाइश पे इनके साथ यहाँ पे आए हैं तो इसको मैं ट्राई करता हूँ बग़ैर रायते और बग़ैर सलाद के, ताकि इसका जो रियल टेस्ट है वो हमें पता चले। पहले मैं खा लूँ फिर मैं बात करता हूँ। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना बाकियों के साथ, बाकी मैंने जितने भी खाए ना वो बड़े लेसदार टाइप थे, स्पेशली जो बीफ बनू था ना कराची कंपनी वाला, वो काफ़ी लेसदार टाइप है उसके चावल, और ऑयली ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं उसकी निस्बत, क्योंकि एक तो उस तरह से ये ऑयली नहीं है, पका हुआ भी ठीक है, और मिर्च मसाले भी बड़े ही मुनासिब किस्म के हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये जो चीज़ है ये आपके, अगर आप पुलाव के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे आके एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना चाहिए। बाकी इसको देख लेते हैं कबाब को, तो हाथ से ही डायरेक्ट खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शक्ल से तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इनकी मेकिंग भी हमने देखी है, तो उम्मीद करते हैं कि भाई टेस्ट भी अच्छा ही होगा। एक मिनट जाओ, चटनी ज़रा काफ़ी पतली है पानी की तरह, तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। चटनी के साथ थोड़ा सा पंच तो है क्योंकि चटनी में थोड़ा सा खटासपन है, और टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। मेरा ख्याल है कि यार अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद हैं तो आपको एक दफ़ा इधर आके ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, मज़े की है। बाकी हलवा मौलवियों की कमज़ोरी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है मैदे का हलवा खाने का, तो ये खाने के बाद वैसे मुझे खट्टा खट्टा महसूस हो रहा है, हलवा खट्टा महसूस हो रहा है, तो यार इसकी तरफ से मैं माजरत कर लेता हूँ कि अगर तो आपको वाकई पता कि मैदे का हलवा कैसा होता है और खट्टा ही होता है फिर तो ठीक है, लेकिन हलवा खट्टा हो वो हज़म नहीं हो रही बात भाई। मुझे ये नहीं इतना पसंद है, ये ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट खाने लगूँ। बाकी अगर आपको वैसे पसंद है मैदे का हलवा, आपका शौक है, आपको पता है कि ये खट्टा होता है, तो फिर ठीक है, आप आगे ट्राई करें और ख़ुद देख लें कि अच्छा है या बुरा है। बाकी कावा मैं पी नहीं रहा, ना चाय पी रहा हूँ, मैं बोतल पी रहा हूँ, तो ये होती अच्छी है। टोटल बिल बन गया हमारा 520 रुपये। मैं वैसे कहीं पे भी जाऊँ ना, मेरी पहली कोशिश ये होती है मैं बिल पे देखूँ ये जो मैंने कोल्ड ड्रिंक या चाय वगैरह पी है इसकी प्राइस नॉर्मल है या एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे
मैंने दो कोल्ड ड्रिंक्स ली थी, दोनों के 30-30 रुपए लगे हैं, यानी कि जो मार्केट बाहर से आपको जिस प्राइस पे मिलती है उसी प्राइस पे ये लोग दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो 550 रुपये मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब है। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा इस्लामाबाद से बाहर की तरफ आना पड़ता है, तरनोल के पास है, ये मेन इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए थोड़ी सी ट्रैवलिंग बर्दाश्त की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है जो शौकीन लोग होंगे वो ज़रूर आके ट्राई करेंगे। मेरी तरफ से थम्स अप है सवाए हलवे के, हलवे की माफ़ी दे दें, मैं बहुत बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपका हलवा है ये खाने के बाद खट्टा खट्टा क्यों महसूस होता है? ये मैं जो बोला ना, ये 3 दिन के बाद ये तैयार होता है ना, तो 3 दिन इस पर वो खमीर वगैरह उठता है, सारी चीज़ें, यानी कि ये है ही, टेस्ट ही ऐसा है। मैं तो परेशान हो गया था, मैं हलवा मीठा होता है, ये हम खट्टा खा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें बाहर निकल के पूछते हैं कि ऐसे क्या वजह है कि ये खट्टा है। अच्छा, सही हो गया, यानी कि ये जो खटासपन है ये सिर्फ खमीर की वजह से आ रहा था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं कहा ये खमीर की वजह से होगा, लेकिन मैं फिर भी कंफर्म करना चाह रहा था। तो ये स्पेशली पहले इसका खमीर उठाया जाता है 3 दिन रख के, ताकि इसमें ये खटासपन आए। तो वो जो हम कह रहे थे ना खट्टा हुआ, ये ख़राब नहीं था हुआ, ये है ही ऐसा। तो भाई जिनको ये पसंद है तो वो फिर आके ट्राई करें। बहरहाल मैं मौलवी हूँ, मुझे मीठी चीज़ें पसंद हैं, ये मीठा नहीं था मीठा था लेकिन बाद में खट्टा हो गया। जजाकल्लाह, खुश रहें।